कांग्रेस से इस्तीफा देकर पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज सुबह ही गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के सभी पदों से यह कहते हुए इस्तीफा दिया है कि वह सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। वल्लभ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए वह खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं वल्लभ ने कहा कि मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसलिए पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। वल्लभ कई महीनों से पार्टी की ओर से टेलीविजन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे थे और लंबे समय से उनकी कोई प्रेस वार्ता भी नहीं हुई थी। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया?